पिछले लेक्चर में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आज शुरू करेंगे। 9th क्वेश्चन है, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। आप यहां देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन ऐसे हैं जिनमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत है। तो ऐसे फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन हम अलग-अलग करने के बाद में उनके डेरिवेटिव्स को ऐड कर देते हैं। पहले फंक्शन को हम u मान लेते हैं और दूसरे फंक्शन साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इसको हम मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन मुझे y का करना है यानी dy बाय dx फाइंड करना है, तो dy बाय dx जो होगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx के बराबर होगा, क्योंकि जो y है उसे हम u प्लस v की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बारी बारी से इनका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। u हमने माना है x रेस टू पावर साइन एक्स, तो हम लिख सकते हैं log u इक्वल टू log x रेस टू पावर साइन एक्स। साइन एक्स को हम लिखेंगे सामने, तो बनेगा राइट साइड में साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब हम डिफरेंशिएशन दोनों साइड का कर देते हैं। लॉग यू का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। साइन एक्स हम एज इट इज रखेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा। अब की बार लॉग एक्स को एज इट इज रखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। तो यानी कि 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यू से राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। और लास्ट स्टेप में यू की जो वैल्यू है एक्स ओवर साइन एक्स वो हम पुट कर देंगे, तो हमें डी यू बाई डी एक्स मिलते हैं। अब बारी आती है वी। मान लेते हैं कि जो दूसरा फंक्शन है वो वी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, यानी log v log sin x पावर cos x होगा। cos x को हम लिखेंगे सामने, यानी cos x इनटू log sin x ये log v की वैल्यू होगी। अब हमें करना है डिफरेंशिएशन। लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन हम आसानी के साथ कर सकते हैं, 1 अपॉन v इनटू dv अपॉन dx। यहां दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है। cos x एज इट इज रखेंगे, log sin x का होगा 1 अपॉन sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x, प्लस log sin x को हम एज इट इज रखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे माइनस sin x। तो dv बाय dx होगा v मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये सॉल्व करने पर मिलेगा cos x इनटू cos x यानी cos square x अपॉन sin x, और इनका प्रोडक्ट होगा माइनस sin x इनटू log sin x। तो v की जो वैल्यू है sin x पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स हो गया और एक कॉस एक्स और बच गया, तो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब डीवी बाई डी एक्स जो फाइंड कर चुके हैं, अब डीवी बाई डी एक्स के बाद में हमें डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसलिए जो इक्वेशन 4 है उसमें डीयू अपॉन डी एक्स और डीवी अपॉन डी एक्स दोनों की वैल्यूज पुट कर दे। du अपॉन dx हमें इक्वेशन 5 में मिल गया था और dv बाय dx इक्वेशन 6 में मिला है। दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट कर देते हैं तो ये हमारा dv बाय dx मिल जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। x की पावर जो यहां पर है x cos x है, प्रोडक्ट में पहला फंक्शन है x रेज टू पावर x cos x और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। मान लेते हैं ये फंक्शन वाई है और हम इसको यू प्लस वी की फॉर्म में लिख देते हैं। यहां पर यू का मतलब है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स और वी का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको इक्वेशन नंबर 3 डालना है। dy बाय dx फाइंड करने के लिए हमें दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब
अब बारी बारी से du by dx और dv by dx दोनों फाइंड करेंगे। तो पहले हम du by dx फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहां पर u का मतलब है x की पावर x cos x, यानी log u का मीनिंग हुआ log x पर पावर x cos x, यानी हम लिख सकते हैं इसको x cos x into log x, ये log u की वैल्यू। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे log u का डिफरेंशिएशन 1 upon u into du upon dx, और अब यहां पर x cos x और log x तीन फंक्शंस हैं और अब हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो तीन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए बारी बारी से डिफरेंशिएशन करते हैं। एक एक फंक्शन का x into cos x as it is रखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे 1 upon x। अगली बार x और log x as it is रखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे माइनस साइन x। तीसरी बार cos x into log x को as it is रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो du by dx होगा u into cos x minus sin x into log x plus cos x into log x। u की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो यानी du upon dx होगा x raised to power x cos x into cos x minus sin x log x plus cos x into log x। ये du by dx है इक्वेशन नंबर 5। अब मान लेते हैं जो v हमने लिया था x square minus 1 upon x square plus 1, यहां अगर आप चाहें तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प लें, चाहे तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। तो हम इसको सीधा ही कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे dv upon dx आएगा, डिवीजन मेथड इसमें यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, x square plus 1 का होल स्क्वायर करेंगे यानी x square plus 1 और x square minus 1 का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो 2x होगा, माइनस साइन लगाएंगे, x square minus 1 as it is रखेंगे और x square plus 1 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो 2x होगा। सॉल्व करने के लिए 2x कॉमा ले लेंगे, अंदर बचेगा x square plus 1 minus x square plus 1, नीचे लिखा हुआ है x square plus 1 whole square। सॉल्व करने पर यहां 2x है, 1 और 1 का सम 2 होगा और x square और minus x square दोनों का एडिशन होने के बाद ये बन जाएगा 0, यानी सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 4x upon x square plus 1 whole square। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का ये dv by dx। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों का यूज हम इक्वेशन नंबर 4 में कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 में जब इनका यूज करेंगे तो dy by dx बनेगा du upon dx, इक्वेशन नंबर 5 से लिखेंगे। और dv upon dx इक्वेशन नंबर 6 से, तो यही dy by dx है। तो जरूरी नहीं है कि जब दो फंक्शन हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले हो तो आप हर बार ही हेल्प लें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसकी हेल्प लेनी ही लेनी है। अगर आप समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो आप सीधा विदाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी आप इसको कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, उसमें हमें प्रोडक्ट रूल लेना है, 11th क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल का हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी होगा ये।
क्वेश्चन है x cos x पावर x और दूसरा फंक्शन है प्लस x sin x पावर 1 अपॉन x। ये सपोज y के इक्वल ले लेते हैं और मान लेते हैं ये दोनों जो फंक्शंस हम ले रहे हैं वो u और v। तो यहां पर dy by dx की अगर मैं बात करूंगा तो वो मिलेगा du upon dx plus dv upon dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। अब u का मीनिंग है x cos x पर पावर x, क्योंकि फंक्शन fx पर gx जैसा है तो इसलिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। हम यहां लिखेंगे log u इक्वल टू log x cos x पर पावर x, यानी कि x इंटू log x cos x, ये log u की वैल्यू। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको नहीं लिखा जाएगा तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u होगा, u का डिफरेंशिएशन du by dx। अब x हम एज इट इज रखेंगे, log x into cos x का डिफरेंशिएशन यानी log fx का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो होगा 1 अपॉन fx यानी x cos x, मल्टीप्लाई करेंगे। अब fx का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी x into cos x का, x एज इट इज रखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है प्लस cos x और x का डिफरेंशिएशन 1। तो अभी हमने x एज इट इज रखा था और log x cos x का डिफरेंशिएशन करा। अब हम log x cos x को एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो कि 1 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व होने के बाद में du by dx की वैल्यू लिखी जा सकती है u मल्टीप्लाइड बाय माइनस x साइन x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस log x cos x। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं और u की वैल्यू जो है वो भी हम यहां रख देंगे, इसको हम आखिर में रख देंगे। अब बारी आती है v के डिफरेंशिएशन। तो v का डिफरेंशिएशन करने के लिए v हम लिखते हैं x sin x पावर 1 अपॉन x। फिर log लेंगे, log v इक्वल टू log x sin x पर पावर 1 अपॉन x, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख पाएंगे 1 अपॉन x इंटू log x sin x। ये log v की वैल्यू आ गई है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, log v का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन v इंटू dv by dx। यहां हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, 1 अपॉन x एज इट इज लिखेंगे, अब log x sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो होगा 1 upon x sin x। उसके बाद में फिर x sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे जहां फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x as it is sin x का डिफरेंशिएशन cos x plus sin x as it is x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस बार अपने 1 upon x को as it is रखा था, log x sin x का डिफरेंशिएशन करा, दूसरी बार में log x sin x का डिफरेंशिएशन को एज इट इज रख देंगे और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव ले लेंगे जो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा। सॉल्व करेंगे, नीचे x स्क्वायर sin x है, ऊपर है x cos x plus sin x, नीचे है हमारे पास x स्क्वायर sin x माइनस log x sin x अपॉन x स्क्वायर, ये 1 अपॉन v इनटू dv बाय dx की वैल्यू। dv by dx फाइंड करने के लिए v से मल्टीप्लाई करेंगे, x cos x plus sin x upon x square sin x minus log x into sin x upon
एक्स स्क्वायर। ये डीवी वन डी एक्स की वैल्यू। इक्वेशन नंबर दो और इक्वेशन नंबर तीन का यूज हम इक्वेशन नंबर वन में करेंगे। दोनों वैल्यूज को हम यहां पर रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर लाने के लिए। लेकिन ये याद रख लें कि यू और वी की वैल्यू एक्स की फॉर्म में वापस जहां से हमने ली थी वापस वही पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से जो थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी हम आराम से कर पाते हैं। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स दूसरी बुक से मिलते हैं उन्हें आप प्रैक्टिस में लाएं और बहुत सारे एग्जांपल्स करके देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।